तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर मोहित और आप देख रहे हैं श्रीराम एक्सपेरिमेंट। होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो गाइस आपको एडवांस में हैप्पी होली। हम होली के ऊपर एक दूसरा वीडियो भी लेके आ गए हैं, जो कि हमारे पास गुलाल है और बुलटमम है और छोटे छोटे गड़े है, जिनको हम हमारी आम भाषा में करवा कहते हैं। हम इसके अंदर गुलाल भरकर इनके नीचे हमने सुराख कर दिया है और इसके अंदर हम सूत बुलटमम को वालकर सूतली की सहायता से सिलगा देंगे कि गुलाल हवा में उड़ पाएगा या नहीं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस हमारे पास यही है, तीन छोटे छोटे गड़े हैं, हमने इसके अंदर सुराख कर दिया और हम इसके अंदर ऐसे बम को लगाकर हम यहाँ पर एक सूतली लगा देंगे, जो कि हमने पेट्रोल में भिगो रखी है, और हम इनको इसके अंदर भर देंगे गुलाल। क्या ये कर फटेंगे या नहीं, गुलाल हवा में उड़ेगा या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। जो भी कर रहे हैं हम आपकी आंखों के सामने कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि आज होने वाला है वंडर। तो अब हम इनके अंदर गुलाल भर देते हैं। हम इन पहले इसके अंदर लगा देते हैं हम बम को एक एक कर। तो गाइज हमने इसके अंदर भर दिया ग्रीन कलर को। अब इसके हम ऊपर लगा देंगे ढक्कन को। पहले हम इसको ऐसे ही रख देंगे। यार ये बत्ती तो सही तक, इसको हम इसके बीच रख देंगे। अब हम इसके अंदर भरेंगे येलो कलर को। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर भी डाल दिए येलो कलर को। इसकी भी बत्ती हमने निकाल दिया बाहर। तो गाइज अब हम इस सबसे छोटे वाले कर्वे के अंदर भरने जा रहे हैं रेड कलर को। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी भी बत्ती भी वैसे लगा दी है जिसकी पहले दोनों की थी। हमने एक के अंदर भर दिया रेड, एक के अंदर भर दिया ग्रीन और एक के अंदर भर दिया येलो। इसके अंदर ये कलर हमने भर दिया है और हमने तीनों को रख दिया है। हम एक एक करके हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और फिर सूतलियों की सहायता से इनको लगा देंगे आग। आप देख सकते हैं हमने पेट्रोल से भिगोकर रस को इनके अंदर सूतली को बांध दिया। हम इन सूतली को यहाँ पर रख देंगे और इनको एक साथ इकट्ठा कर देंगे। यार जलेगी या नहीं ये तो हमें पता नहीं, हम पहले ट्राई कर लेते हैं। वही आप देख सकते हैं सूतली जल तो रही है। Thank you.
गाइस आपने देखा एक गड़ा फूटा है, ये है दो बाकी है। हम इनके अंदर थोड़ा थोड़ा कलर को और डाल रहे हैं यार, इसके अंदर कलर को डाल दिया है। अब हम इनके अंदर पहले इन दो को फोल्ड, इनकी बत्ती को बंट के हम ऊपर इसके अंदर लगा देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल डाल देंगे और फिर देखेंगे कि कलर उड़ेगा या नहीं। हमें कुछ नहीं पता, पहले वाले ने तो, एक गड़े ने तो इसके कलर को उड़ा दिया था। अब आप दूसरे वाले को देखेंगे हम पहले इनकी। अब हम इनको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पेट्रोल छिड़कर हम इनके अंदर सीधे आग लगा देंगे या फिर से इसके अंदर सुतली को फिर से इसके ऊपर लगा देंगे, फिर देखेंगे कि गुलाल उड़ेगा या नहीं। तो देखते हैं आप गाइज, अब हम इनको फिर से जलाने जा रहे हैं। हमारे पास दो सुतली फिर से हमने इनको, तो गाइज अब हम इनको फिर से जलाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो सुतली जग गई है। तो गाइज हमारे पास दो घड़े बंच गए है, ये घड़े नहीं फटे यार, क्यों इनके अंदर मिट्टी से बहुत ज्यादा मजबूती से बनाए गए। वो हमारे पास बम थे छोटे, अगर हम इनके अंदर सूतली बम डालते तो इसके अंदर गुलाल नहीं आता, इसलिए हमने छोटे बमों को यूज किया। एक घड़ा फट गया, ये दो बंच गए है। यार गाइज अगर आपको वीडियो में मजा आया तो यार वीडियो को लाइक कर दो। इसके अंदर गुलाल भी बंच गया, आप देख सकते हो। यार अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इतने दिनों के लिए जय हिंद जय भारत, और होली आपको, आप और आपके परिवार को एडवांस में हैप्पी होली।